आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो चाहे बहुत सारा खाना भी खा रहे हो फिर भी मोटे नहीं होते जल्दी से, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दो रोटी ही खाते हैं पूरे दिन में मुश्किल से, फिर भी उनका पेट फूला हुआ रहता है। और ऐसे लोग अगर वो फास्ट भी रख ले तो भी उनका पेट कम नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है हमारे खाने का एब्जॉर्प्शन ठीक से ना हो पाने की वजह से, यानी जितना भी आपने खाना खाया वो बस फैट में ही कन्वर्ट होता है। ऐसे लोगों में एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा कम रहता है, मतलब थोड़ा ही चल फिर लिए तो उनकी वीकनेस बढ़ जाती है, कमजोरी बढ़ जाती है और एकदम से आके वो लेट जाते हैं। और मोटापा देखो तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब आपके ऑर्गन्स, जो हमारे डाइजेशन वाले ऑर्गन्स होते हैं, पेट के ऑर्गन्स होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उसमें हमारे सारे ऑर्गन्स ही आ जाते हैं। अगर खाने की बात करें कि उसके डाइजेशन के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, तो जितने भी पेट में ऑर्गन्स हैं वो सारे हेल्प करते हैं। अगर उनमें से कोई एक भी कमजोर पड़ जाए तो खाने का डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा और फिर फैट दिनों दिन बढ़ता जाएगा, कमजोरी बढ़ेगी, लेकिन आप देखोगे कि मोटापा नहीं घटेगा जल्दी से। अगर आप एक्सरसाइज का रूटीन भी फॉलो कर रहे हैं, खाना आपने बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि मोटापा घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। और कुछ लोगों के जिनके ऑर्गन्स अच्छे रहते हैं, डाइजेशन पावर अच्छी होती है, वो चाहे ज्यादा भी खा रहे हों फिर भी उनका मोटापा जल्दी से नहीं आता। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने डाइजेशन पावर को अच्छा करने के लिए सिर्फ कुछ पॉइंट्स को आपको प्रेस करना है घर में बैठे बैठे एक चेयर के ऊपर, जिससे आपका डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ में आपके मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से आपका मोटापा भी घटना शुरू हो जाएगा और बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए ये जो पॉइंट्स है किस तरीके से आपने प्रेस करने हैं वो देखते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। तो देखिए, डाइजेशन पावर आपकी तभी बेस्ट होगी जो पेट के ऑर्गन्स होते हैं, हर एक का फंक्शन बेटर होता है, ये बात तो आप मानते हैं। उनको बेटर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारी बॉडी में होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, तो आज मैं वो बताने वाली हूँ। साथ में ही डाइजेशन पावर तो बेटर होगा ही होगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, एक रोटी मुश्किल से खाते हैं तब भी पेट फूल जाता है, उनको देख लेना। अगर ये टेक्निक आपने एक बार इस्तेमाल करी, ये पॉइंट्स आपने दबा लिए, थोड़ी देर बाद ही आपको तेज भूख लगेगी, आप खाना खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। और हाँ, जैसे न्यूट्रंट होते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है बॉडी की वीकनेस की वजह से, तो वो एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए भी आपको टेक्निक बताऊंगी। तो ये टेक्निक ध्यान से देख लेना। इतने भी मोटे लोग हैं, ये कह रहे हो कि हम बहुत थोड़ा सा खाते हैं वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो अगर ये जो पॉइंट्स है वो प्रेस करते रहें तो डाइजेशन पावर इतनी हाई होती चल जाएगी कि आप कुछ भी खा लेंगे लेकिन मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन सा जो पॉइंट है वो आपको प्रेस करना है। देखिए, ये यहाँ हमारे जो कान के पीछे एक वेगस नर्व होती है, और ये नर्व बहुत बड़ी नर्व होती है और सारे हमारे ऑर्गन्स को होते हुए जाती है। ये इसकी कैपेसिटी इतनी होती है कि अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर सकती है, उनका फंक्शन बेटर कर सकती है। अब इसको प्रेस कैसे करना है तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कान का आपका निचला हिस्सा है यहाँ, और इसके पीछे यहाँ अपने अपने अंगूठे से इसको प्रेस नहीं करना है, इस पर ऐसे रब करना है, बहुत तेज प्रेस करके भी नहीं और हल्का भी नहीं, मतलब मीडियम सा प्रेशर देना है, इस तरीके से प्रेस करना, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। कितनी बार करना है? 20 बार। अगर पैर में बात करें तो 10 पैर कवर करने हैं। देखिए कैसे करना है, ये अंगूठा लिया हमने, थंब लिया, और अपने कान के पीछे आप चाहे तो यहाँ पे पाउडर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से अंगूठे को रखेंगे ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से करेंगे। ये है वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के। अब इधर रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप चाहे तो इसको आधे मिनट का गैप देके आप दोबारा फिर से कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बस आपका जो पेट के सिस्टम है वो बेटर होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देखिए,
यहाँ पे ये जो हमारी जांघें होती हैं, जहाँ पे ये जोड़ होता है जांघ का और हमारे पेट का जो मिलाने वाला हिस्सा होता है यहाँ पे, तो इसको प्रेस करना है अपने दोनों हाथों से, ऐसे अंगूठे को मिला लेना है हाथों से, यहाँ पे रखना है और ऐसे प्रेस करना है, प्रेस देना है बिल्कुल जोड़ को मिलाते हुए, ऐसे जहाँ जोड़ है ना आपका वहां पे हाथों को रखना है, अपना जितना भी आपका जोर है उतना जोर देना है, कितनी सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, और ये टोटल 8 बार करना है। ये किस चीज को स्टिमुलेट करता है, हमारे पैनक्रियाज को। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से करना है, अपना पूरा प्रेशर डालिए। और हाँ, आपको जैसे आपका बेड है टेबल है ऐसी चीजों पे बैठना है जहां आपका ये वाला एरिया पूरा सीट के ऊपर ही रहे, मतलब लटका हुआ ना रहे नीचे, और अपनी लेग्स को बिल्कुल फ्री रखना है, कोई खींचा तानी ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल फ्री रख दीजिए। अब ठीक है, चलिए प्रेशर देना शुरू करते, जितना आपका प्रेशर है उतना देना है। चलो 1 2 3 4 5 6 रिलीज, 6 सेकंड के बाद रिलीज कर देना है और फिर से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 रिलीज, 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 5 हो गए, 1 2 3 4 5 6 रिलीज, 1 2 3 4 5 6 रिलीज, 1 2 3 4 5 6 रिलीज। तो पूरे 8 टाइम हमने 6-6 सेकंड का प्रेशर दिया अपनी जांघ वाले एरिया पे। तो ये है अपनी पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करने के लिए। सेकंड हमारा आता है गॉल ब्लैडर। डाइजेशन के वक्त गॉल ब्लैडर की जरूरत पड़ती है, अगर ये ठीक से अपना बाइल सिक्रेट करता रहे तभी हमारा डाइजेशन बेस्ट होता है। तो इसके लिए ये जांघ का जोड़ था, ये पैनक्रियाज का पॉइंट था। अब इसके एक हाथ आगे, जैसे यहाँ पे एक हाथ रखा, ये पैनक्रियाज का पॉइंट हो गया, इसके आगे ये हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट होता है। अब इसके एक हाथ आगे और एक हाथ आगे, 3 पॉइंट होते हैं। अब इसको प्रेस कैसे करना है वो ध्यान से देख लीजिए। जैसे हमारा पैनक्रियाज का पॉइंट, तो एक हाथ आगे और इस हाथ के ऊपर ही दूसरा हाथ रख लीजिए। इस तरीके से जितना अपना प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर देना है, अच्छे से अपनी लेग्स को खोल लेना है ताकि पूरा प्रेशर आपका आ जाए, इस तरीके से देना है। आप चाहे तो बेड के ऊपर बैठ के करिए आराम से, ताकि आपके हाथ भी अच्छे से खुल सके। इस तरीके से प्रेशर दीजिए, और कितने सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, और कितनी बार देना है, हम 3 टाइम देंगे, 3 टाइम, ये टोटल 9 टाइम हो जाएगा, क्योंकि एक बार यहाँ एक बार यहाँ, ये एक बार हो गया, फिर से दोबारा करना है, फिर तीसरी बार भी ऐसे करना है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 थोड़ा आगे खिसकाएंगे, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा आगे, 1 2 3 4 5 6 अब जहाँ पे हमने शुरुआत करी थी वहीं पे हाथ रखना है, फिर से दोबारा 1 2 3 4 5 6 थोड़ा आगे खिसकाना है, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा आगे, 1 2 3 4 5 6 फिर ऐसे ही पहले पॉइंट पे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब ऐसे ही हमें अपने जो स्प्लीन होता है उसको स्टिमुलेट करना है। अब दूसरी साइड, मैं ये बता दूँ एक चीज़ और भूल गई थी, ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करना है तो लेफ्ट साइड आपको प्रेशर पॉइंट देना होगा। अब इनको स्टिमुलेट करने के लिए आपकी राइट साइड वाली जो थाई है, हमारा ये पेनक्रियाज वाला एरिया था, यहाँ पे हाथ रखा हुआ था, ऐसे रखा हुआ था, उसके एक हाथ आगे यहाँ से शुरू होता है, और ऐसे ही जैसे गॉल ब्लैडर में दिया था ऐसे ही आपको एक हाथ आगे इस तरीके से देना है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं, प्रेशर दीजिए अपना पूरा, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा आगे खिसकाना है, 1 2 3 4 5 6 थोड़ा सा आगे, 1 2 3 4 5 6 एक बार हो गया, टोटल ऐसे ही 3 बार देने हैं। तो पहले पॉइंट पे रख लीजिए, 1 2 3 4 5
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हमें अपने लीवर के लिए पॉइंट्स को प्रेस करना है। हमारे लीवर का पॉइंट्स होता है हमारी एल्बो में, तो एल्बो का बीच वाला जो पार्ट होता है इसके ऊपर हमें दूसरे हाथ से प्रेशर देना है, अपनी थाई के ऊपर ऐसे रखें, अपनी थाई के ऊपर इस तरीके से रख दीजिए जहां आप कंफर्टेबल होके रख सकते हैं और प्रेशर भी दे सकते हैं। तो हमें 7 times प्रेशर देना है और 6 seconds के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखा देती हूँ, नहीं तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आपको 7 times के लिए देना है। तो 1 बार 2 बार मैं करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से प्रेशर देना है, बिल्कुल जो आपकी ये वाली आर्म है इसके बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 seconds के लिए रिलीज कर दिया, फिर से 6 seconds के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरीके से रिलीज कर दिया, फिर से 6 seconds के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे मैंने 3 बार दिया ऐसे 4 times आपको और देना है। कहने का मतलब टोटल 7 बार हो गया 7 times के लिए। ये आपका लीवर का पॉइंट हो गया है। अब हम एंटेस्टाइन के लिए, एंटेस्टाइन को भी एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो इस हाथ में होते हैं राइट साइड वाले। ये लेफ्ट में होता है जो लीवर का बताया, ये राइट में होगा जो इंटेस्टाइन के लिए होगा। राइट आर्म आपकी उसके बीच वाला जो पॉइंट, यहाँ पे हाथ से प्रेशर देना है अपनी थाइस के ऊपर ऐसे रखें। कितनी बार देना है? लीवर के लिए 7 बार दिया था, एंटेस्टाइन के लिए 5 बार देना है। जैसे मैं आपको देके दिखाती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलीज। मैंने 3 बार दिया, आपको टोटल 5 बार करना है। ये मतलब बिल्कुल कवर हो गया जो ये फॉर्मूला था बेटर डाइजेशन के लिए। इस तरीके से आपको ये करना है। अगर आप चाहें तो इसको एक ही बार में 2 से 3 बार कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट का गैप जरूर दें। 2 मिनट के लिए जैसे रुक जाए सारे पॉइंट्स प्रेस करने के बाद, और उसके बाद फिर से आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर 2 मिनट के लिए रुकना है, फिर से आपको करना है, तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता चला जाएगा, भूख अच्छे से लगने लगेगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब आपकी बॉडी वीक ज्यादा आपको लगती है, जरा सा भी चल फिर के आते हैं, बॉडी मोटी तो है लेकिन बॉडी में वीकनेस जाता है, सांस ज्यादा फूलती है, तो उसके लिए आपको बता देती हूँ। आपको 8 बार ये वाला पॉइंट प्रेस करना है जो पेनक्रियाज का था हमारे यहाँ पे, जांगों का जो जोड़ था यहाँ पे हमने प्रेस किया था इस तरह हाथ रख के ऐसे। कितनी बार हमने प्रेस किया था? हमने 6 seconds का ऐसे प्रेशर दिया था, टोटल 8 बार यानी 8 times के लिए। तो ये करेंगे आप। इसे करने के बाद फिर आप जाएंगे गाल ब्लेडर के लिए। 3 बार किया था हमने, लेकिन गाल ब्लेडर के पॉइंट एक ये था, फिर एक ये था, एक ये था। 3 points से 6 seconds के लिए प्रेशर दिया था, और इसी तरीके से क्रम कितनी बार करना है? 3 times। 1 बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये हो गया गाल ब्लेडर का पॉइंट्स। अब अगला 7 liver देना है। जैसे लीवर का पॉइंट मैंने आपको बताया था वो 7 times देना है, स्प्लीन का छोड़ देना है, स्प्लीन का नहीं देना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपको मैं बता देती हूँ वो मैट के ऊपर मुझे बताना पड़ेगा, चेयर को छोड़ना पड़ेगा। हमारी ये जो काफ एरिया होता है यहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये 3 pressure points होते हैं यहाँ पे, तो वो कैसे देना है? देखो अगर कोई दूसरा इंसान है तो हम उल्टा लेट जाएं, वो यहाँ पे अपने हाथों से ऐसे प्रेशर देके इस पॉइंट्स को दबा सकता है, लेकिन जब हमारे पास कोई है ही नहीं तो हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको वज्रासन में बैठना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ। तो ये बता देती हूँ इन तीनों पॉइंट्स को दबाने के लिए वज्रासन में हम इस तरीके से बैठे तो तीनों पॉइंट प्रेस हो रहे हैं। अब जो लोग नहीं बैठ पाते वज्रासन में वो ऐसे अपने पैरों के नीचे एक पिलो रख लें या कुशन रख लें और इस तरीके से वो बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, और इस तरीके से बैठेंगे तो ये पॉइंट्स आपके प्रेस हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से ये प्रैक्टिस करनी है। जो लोग बैठ पाते इस तरीके से बैठेंगे और खड़े हो जाइए पहले आप। खड़े हो जाने के बाद प्रेशर देंगे तो 6 seconds का प्रेशर देंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर खड़े हो जाइए, फिर बैठ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर खड़े होना है 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स टोटल हमें 6 बार करना है, ये 6 रेपिटेशन करने हैं, 6 सेकंड का प्रेशर देना है और टोटल 6 बार देना है। ध्यान से समझ लीजिए, 6 बार आपको ऐसे उठना है और बैठना है, और आप चाहे तो 1 मिनट का गैप देके 6 बार और कर सकते हैं। तो ऐसे ये पॉइंट्स अगर आप प्रेशर करते हैं और ये टेक्निक आते हैं तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन भी अच्छा होना शुरू हो गया है। और ये टेक्निक मैं बता देती हूँ, सुबह शाम आप कर सकते हो, खाली पेट भी कर सकते हो, लेकिन अगर खाना खाया हुआ हो तो 1 से 1.5 घंटे बाद करें। आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इश्यू है आपकी, ज़्यादा प्रॉब्लम है, पेट भरा आया हुआ रहता है, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट होता ही नहीं है, तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करिए और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए, बेटर डाइजेशन करिए और साथ में अपने मोटापे को भी दूर भगाइए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।